वहीं यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान ने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर एक अभद्र टिप्पणी की थी। इस बारे में जब आजम खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपनी बात पर कायम है और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि मोदी को अपना भाई कहा है। आजम खान से खास बातचीत की हमारी लखनऊ संवाददाता रुचि कुमार ने। आपको कहीं दिखती है मोदी की लहर कि जो ये बात होती कि मोदी हम हिल तो रहे हैं उनकी लहर के सामने कंपन आ रहा है हमें। अच्छा, मोदी की बात हो रही है तो आपके बयान को लेकर आज बहुत चर्चा हो रही है कि आपने मोदी को जिस तरह से जो कहा उसको लेकर क्या कहा हमें कुत्ते का बच्चा नहीं कहा, पूरी कौम को कुत्ते का बच्चा नहीं कहा। आपको सब तो हमसे हमदर्दी नहीं हुई, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, अपना बड़ा भाई कहा। तो क्या हम आपस में भाई नहीं हैं? मोदी जी सिर्फ 2002 ही करेंगे, भाई बनने को तैयार नहीं है। राजनाथ सिंह तो 6 दिसंबर 1992 की माफी तक मांगने को तैयार हैं। तो भाई ही तो कहा, और हमारे भाई कहने पर जो भाषा आपने हमारे लिए इस्तेमाल की है, जो की जा रही है कुछ चैनल्स पर, क्या वो सभ्य भाषा है? यही सिखा रहे हैं आप समाज को, यही संस्कार हैं आपके। लेकिन आपको लगता है कि जब राजनीति में, जब चुनाव खासतौर से जब मौका होता है, तो थोड़ी सी सारे नेताओं को, सभी की बात करें, हर पार्टी की, थोड़ा सा भाषा पे, इसमें क्या भाषा की खराबी है? नहीं, आपको नहीं, बाकी भाषा की खराबी है। भाई कहना गुनाह है, हैं? भाई को भाई कह दिया मैंने, बस इसी पर बिगड़ गई दुनिया। भाई तो कह रहा हूँ, वो वाला बंबई वाला भाई नहीं गुजरात वाला भाई। अच्छा, यूपी में आपको मुकाबला किस पार्टी से लगता है? समाजवादी पार्टी का मुकाबला यहाँ किससे है? बीजेपी से, बीएसपी से, या कांग्रेस? देखिए, सब जगह अलग अलग हालात हैं, अभी ये नहीं कहा जा सकता किससे है।